आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। हमारे बीच कुछ गर्ल्स हैं, यंग हैं, स्वराज ग्रुप से जुड़ी हैं। आप पिछले दो दिनों से बनारस के गलियों में, मोहल्लों में, मलिन बस्तियों में कैंप करके यहाँ के वंचित समुदाय को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। आइए हम बात करते हैं स्वराज ग्रुप के इस महिला से। मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्या है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से मेरी पढ़ाई हुई है। पिछले 2.5 साल से मैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में काम कर रही हूँ। मैं व्यवसाय से स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसे देखा जाता है कि हर राज्य में, कोई भी राज्य में जाओ तो महिलाओं की समस्या को अनदेखा किया जाता है, पुरुष खुद होके आ जाते हैं। तो महिलाओं के लिए थोड़ा विशेष प्रयास करना पड़ता है कि वो खुल के हमारे से बात कर सके। तो इसलिए मेरा मकसद था कि जो पिछड़े वर्ग की महिला है उनके लिए मैं मेरी सेवाएं दे सकूं। और अभी हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूलों में जाके बच्चों को समझाना, कॉलेज के युवा और युवती से बात करना, गाँव में जाके महिलाओं से ये समस्या पे बात करना। थोड़ा सा हम इस विषय में भी काम कर रहे हैं कि महिलाओं पे जो सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है वो कैसे कम किया जाए। और स्वदेशी ग्रुप के माध्यम से मैं ये बहुत अच्छे ग्रुप से जुड़ी हूँ और डॉक्टर नीलेश जी के ग्रुप के साथ में आज आपके वाराणसी में आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए। हमारे साथ एक और साथी, महिला साथी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे और स्वराज ग्रुप में आपने क्या योगदान दिया और आगे क्या क्या लक्ष्य है। मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा वर्मा है। मैंने कोलकाता से पढ़ाई की है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। स्वदेश ग्रुप से मैं तब जुड़ी जब मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी। मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया है, फिर MP में काम किया है और अभी फिलहाल बिहार में काम कर रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ में मेरा जो अनुभव रहा काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ मतलब ऐसी मतलब ट्राइबल्स हैं जिनके लिए ऐसा काम किया जा रहा है जो काफ़ी सराहनीय है। उसी समय मेरे को स्वदेश ग्रुप के बारे में पता चला कि जहाँ पे हमारे जैसे सारे यंगस्टर्स अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए हैं और वो इन्हीं तरह के कामों में लगे हुए हैं, जैसे जहाँ कम लोग जाते हैं, जहाँ का कार्य मतलब क्या प्रॉब्लम है लोग देखते नहीं हैं। तो ये सारा चीज़ मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसी वजह से उस ग्रुप से जुड़ी। और वाराणसी आने का था कि जिस तरह से यूपी बिहार के बारे में हम सुनते रहते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, दलित लोग हैं, ये सारी चीज़ें सुनी नहीं जाती हैं, तो ये एक रीज़न था यहाँ आने का। स्वराज फिल्म से आपको क्या प्रेरणा मिला या स्वराज ग्रुप, पहले स्वराज फिल्म आपने देखा होगा? देखा है। वहाँ से प्रेरणा मिली, फिर इस तरह का जो स्वदेश फिल्म बना तो कहीं ना कहीं आप तमाम साथियों ने तरह तरह के मुद्दों पे काम किया और कहीं ना कहीं मिलकर यह सोच डेवलप हुआ। इस फिल्म के प्रेरणा से ही एक आप लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया और आप लोगों का लक्ष्य हालांकि बहुत बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। हमारे ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई है। और अब हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने इन महामानवों को महानगरों से काशी, जो मोक्षदायिनी नगरी कही गई है, सभी धर्मों की संगम स्थली है, यहाँ कबीर हैं, यहाँ नजीर हैं, यहाँ शैव है, यहाँ वैष्णव है, यहाँ विभिन्न धर्मों संप्रदायों के लोग हैं, विविधताओं में भरा है यह काशी, फिर भी एकता के सूत्र में आबद्ध हैं। ऐसे काशी के इस नगरी में ऐसे महामानव का अवतरण कराने के लिए हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिनका नाम है प्रदीप मोरे, दलित फाउंडेशन की आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। हम आपका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करेंगे कि आपने इस तरह रचनात्मक सृजनात्मक कार्य के लिए इन तमाम साथियों को लाया। आपका हम अनुभव जानना चाहेंगे। नहीं, काफ़ी बहुत अच्छा अनुभव है। जहाँ पे हम देख रहे हैं समाज में और पूरे भारत में युवा तो है लेकिन युवा लोगों की सामुदायिक हिस्सेदारी बहुत कम हो रही है। ऐसे हिस्सेदारी बढ़ाने में उस पेशे से जहाँ पे बोलते हैं कि डॉक्टर लोग मतलब उस पेशे को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, वहाँ पे ऐसे युवा लोग, युवा साथी, युवा डॉक्टर जब आके समुदाय में रह के काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय काम है। और इसलिए हम
दलित फाउंडेशन की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो ऐसे समुदाय में जहाँ पे पूरे भारत भर में हम देखेंगे कि ऐसे लोग जो पूरे सफाई का काम करते हैं, जो मैनुअल स्कैनिंग का काम करते हैं, जिनके साथ अलग अलग हर क्षण में छुआछूत होती है, भेदभाव होता है जाति के आधार पर, ऐसे समुदाय के साथ इतने बड़े पैमाने पे अलग अलग राज्यों से डॉक्टर साथी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके साथ जो स्वास्थ्य का जो परीक्षण कर रहे हैं, ये बहुत बहुत उल्लेखनीय कार्य है। और दलित फाउंडेशन जो कि एक युवा नेतृत्व तैयार करने के लिए, दलित और आदिवासी नेतृत्व तैयार करने के लिए जो संस्था खड़ी हुई है, एक उसी माध्यम से इस प्रक्रिया को देख रहे हैं कि ये जो समस्या है उस जड़ को ही हम पकड़े ताकि वो समस्या आगे ना बढ़े, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। यंगस्टर हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शोएब से जुड़े हैं। वैसे भी कर था वही आपका। मैं डॉक्टर मोहन, मैं डॉक्टर वैभव हूँ। इसी तरह तमाम साथी स्वदेश ग्रुप में जुड़े हैं। एक और साथी से हम परिचय कराएंगे जो दिल्ली प्रदेश से चल के आई है, हम उनका परिचय जानेंगे और उनका आप परिचय। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है, कैसी से नौकरी। आप स्वदेश ग्रुप से जुड़कर चिकित्सा सेवा मुहैया करा रही हैं ऐसे समाज को, जो चिकित्सा के अलावा बहुत सारी सुविधाओं, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे वंचित हैं, ऐसे समाज को आप अपनी सेवा देके एक नज़ीर पैदा कर रही हैं। भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान के बारे में केवल सुना है, मंदिरों में देखा है, लेकिन भगवान कौन होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है, आज मुझे उस चीज़ के एहसास होता है। एक भगवान आसमान पे रहता है तो एक भगवान धरती पे रहता है, जिसे डॉक्टर कहते हैं। वो डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं और ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनके बीच आज तक कोई सरकारी सुविधाएं, किसी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिली है। ऐसे लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं महामानव हैं। हम उनको साधन प्रणाम करते हैं और हम इनसे प्रेरणा लेकर अन्य साथियों से, डॉक्टर साथियों से, कि डॉक्टरी को पेशा ना बनाए, डॉक्टरी को सेवा बनाए और शोषितों, वंचितों, दलितों, जरूरतमंदों की सेवा करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत धन्यवाद। किसी फिल्म से प्रेरणा लेकर ही है, ये फिल्मों से प्रेरणा लेकर ही एक युवाओं की टीम बनी है, जो बड़े बड़े महानगरों से चलकर बनारस, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, काशी में यहाँ के दलित मलिन बस्तियों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे नौजवान हमारे बीच हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे एक फिल्म ने इनके विचार को, इनके सोच को बदला और आज ये शहरों से चलकर गांव, गली, मोहल्लों में लोगों को अपने स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। बात करते हैं, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, पर मैं अभी अरुणाचल प्रदेश और आसाम में काम करता हूँ। और अभी हमारा जो स्वदेश नाम का जो ग्रुप है, वो उसके माध्यम से मैं अभी यहाँ पे यूपी में आया हूँ। तो स्वदेश ये ग्रुप जो है, ये यूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यूथ में जो मेडिकल क्षेत्र में जो काम करने वाले अलग अलग यूथ है, तो हम लोग को ऐसे लगा था कि हमारा जो, हमने जो बड़ी डिग्री ली है और हमने जो नॉलेज लिया है, उसका उपयोग हम लोग समाज के जो शोषित है, दलित है, आदिवासी है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए हम लोग करें। तो हमारा जो ग्रुप में बहुत कम से कम 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, जो एक अच्छे घर के, अच्छे शहर में रहने वाले जो डॉक्टर्स थे, वो अभी गांव में जाके समाज के अलग अलग प्रश्नों के ऊपर में मेडिकल व्यू से काम कर रहे हैं। तो स्वदेश ग्रुप का आप देखेंगे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और मतलब मुंबई से लेके अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारे ऑलमोस्ट 200 डॉक्टर्स अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं। स्वदेश ग्रुप बनाने के लिए आपका मकसद क्या है? तो हमने ये देखा से प्रेरणा मिला आपको?
तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान की 2004 में एक मूवी आई थी स्वदेश नाम की। उस मूवी में हमने देखा था कि शाहरुख खान एक अच्छे घर में पैदा हुए थे और एक बड़े कंपनी में वो काम करते थे अमेरिका में, पर वो सब छोड़ के वो गांव की समस्या छुड़ाने के लिए गांव में आए और वो गांव के लोगों को एक साथ लेके उन्होंने काम किया। तो बहुत सारे ऐसे इंडिया में भी ऐसे यूथ है कि जो गांव के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन सबको एक लाने के लिए और सब लोग मिलके काम करने के लिए ये स्वदेश ग्रुप फॉर्म हुआ है। स्वदेश ग्रुप स्वदेश फिल्म पर आधारित है या स्वदेश फिल्म से प्रेरणा लेकर? सब लोगों की प्रेरणा अलग अलग थी, पर जो ग्रुप हमारा फॉर्म हुआ था उसका ऑब्वियसली स्वदेश फिल्म जो है कि जो अच्छे घर के अच्छे पढ़े लिखे लोग समाज के प्रश्नों पे ऊपर काम करें, ये जो थीम था इस थीम के ऊपर आधारित ग्रुप है। तो ये स्वदेश ग्रुप में इसके अलावा और किस तरह के सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहती है? स्वदेश ग्रुप के जो बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसकी जेंडर इश्यूज में काम कर रहे हैं, फिर बच्चों का माल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मानसिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर टीबी जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर स्लम्स में अर्बन स्लम्स में काम कर रहे हैं, और आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है ऐसे जगह में हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, अरुणाचल प्रदेश है, कश्मीर में है, बहुत अलग अलग जगह पे ये यंग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि टीम के उन साथियों से जो इस मुहिम के हिस्सा हैं, हम उनका परिचय लेंगे। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी पीजी की पढ़ाई दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज से की है, उसके बाद मैं पिछले 3 साल से बिहार में एक NGO है केयर इंडिया, उसके साथ काम कर रहा हूँ, और बिहार में जो बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए जो भी कार्यक्रम है उसमें मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ। और अभी मुझे स्वदेश से ग्रुप के बारे में जब मुझे पता चला कि वाराणसी में ऐसा कोई प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं जिसमें कि दलितों के लिए उनके लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे काम करने के लिए आया। और पिछले 2 दिनों से जितना इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे जितनी खुशी मिली है उतनी खुशी शायद मेरे को कभी ना मिली, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सर्विस का जिसके कारण मुझे ये मौका मिला। हमारे बीच मुंबई के कुछ साथी हैं, मुंबई का नाम लेते ही बॉलीवुड फिल्मी दुनिया माय नगरी कहीं ना कहीं जहन में आता है, उसी माय नगरी से बहुत सारे सुपरस्टार निकले हैं और उन्हीं के फिल्मों से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समाज में देखने को मिली हैं। फिल्में समाज के आईना होते हैं, फिल्म हमें प्रेरणा देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा लेकर ही कुछ साथी इस तरह का अभियान चलाए हैं। मुंबई से हमारे साथ उमेश, डॉक्टर उमेश जी हैं, आप विभिन्न अस्पतालों में इस तरह का गतिविधि में सक्रिय रहते हैं, मुंबई के बारे में और मुंबई से मिलकर मुंबई के लोगों के बीच के क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के अभियान में? मेरा नाम उमेश है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे पूरे भारत देश में आपने देखा होगा कि एक ऐसा कल्चर है जिसे हम परंपरा कहते हैं कि जो भी बदलाव आए हैं वो युवा जो है वो युवाओं ने लाए हैं। आप JPG का आंदोलन लीजिए, इस तरह हमारे आंदोलन को उठा के ले लीजिए, तो जब युवा इकट्ठा होते हैं तो बदलाव तो आना शुरू हो जाता है। तो मेरे जैसे जो कार्यकर्ता है हमारा ये प्रयास है कि देश भर में जो भी युवाएँ वो आरोग्य क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, या खेती क्षेत्र हो, या मनोरंजन क्षेत्र हो, जहाँ पे भी युवा अपनी चाहत का कुछ करना चाहते हैं तो उनको एक मोरल सपोर्ट सिस्टम का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि ऐसे मार्ग में आने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। और हमारा ये मानना है कि ऐसे सरफिरे ही लोग होते हैं जो बदलाव का काम करते हैं, क्योंकि सब लोग अगर यही काम करने लगे तो शायद इसकी व्याख्या बदलनी पड़ेगी। तो ऐसे सरफिरे लोगों का एक जो संगठन है जिसका नाम इन्होंने स्वदेश रखा है, तो मैं भी उससे जुड़ा हूँ। ऐसे पूरे देश भर में काफ़ी युवा के संगठन हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के बदलाव के लिए काम करते हैं, तो मैं उनसे जुड़े रहता हूँ। और मेरा योगदान ये है, मेरा ह्यूमन इंजीनियरिंग हुआ है, हाँ, तो मेरा ये मानना है कि इनको अगर आप ठीक तरह से इनको सपोर्ट सिस्टम बनाए रखो तो ये बदलाव का इतना काम करेंगे कि हमारे देश में जो हम समस्या जिनको कहते हैं उसमें बदलाव आ जाएगा। हमारे साथ एक साथी और मुंबई से जुड़े हैं, डॉक्टर निधिन जोसेफ जी, आइए हमसे बात करते हैं कि आप माया नगरी से हैं,
माया नगरी से बहुत सारी फिल्में आती हैं। एक फिल्म स्वदेश आई थी, स्वदेशी प्रेरणा लेके ये स्वदेश ग्रुप बना है और गांव मोहल्लों गलियों में महानगरों के पढ़े लिखे लोग आज चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। हम बात करते हैं जो सत्ता से। मेरा नाम डॉक्टर नितिन है और मैं अभी मुंबई में रहता हूँ और वहाँ पे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ मुंबई के स्लम्स में काम करता हूँ और मैंने पब्लिक हेल्थ और फैमिली मेडिसिन किया है और मैंने इससे पहले उत्तराखंड में भी काम कर चुका हूँ, वहाँ के गाँव में, ग्रामीण एरिया में और बाद में अरुणाचल और मेघालय में भी काम कर चुका हूँ। तो हमें ये अच्छा लगता है कि जब गाँव में जाते हैं तो हमें लोगों का जो प्रेम मिलता है गाँव के लोगों का और उनसे बात करके उनको मदद करके और उनसे सीख के ये हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हम बोलते हैं डेवलपमेंट, बट जहाँ पे अभी जो हिसाब से शहरों में डेवलपमेंट होता है वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंगें ही बढ़ते रहते हैं और गंदगी और बढ़ जाती है, बट गांव में वही अच्छी चीज़ अभी भी बरकरार है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप चलो चलो पहले से होता है दो दो मिनट।